अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज 24x7। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के नेता श्याम रजक ने की जब मंथली चेकअप के दौरान पारस हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी करा रहे थे तो उनका पीठ जल गया। इसके बाद जब उनको जलन हो रही थी तब इसकी शिकायत जो पारस हॉस्पिटल के प्रबंधक से किया तब उनका इलाज किया गया। क्या कुछ कहा श्याम रजक ने इस दौरान, आप भी सुनिए। मुझे कुछ दिनों से सर्वाइकल प्रॉब्लम, मुझे लोगों ने राय दिया है कि डॉक्टर वहाँ अच्छे हैं पारस में, आप जाकर के वहाँ दिखवाइए। मैं दिल्ली जा रहा था, टिकट भी कटा हुआ था, लेकिन मेरा इतना पेन बढ़ा, एयरपोर्ट जाने के क्रम में ही मैं मुड़ कर करके पारस चला गया और पारस से भर्ती हो गया। पारस में जब भर्ती हुआ तो वहाँ इलाज चल रहा था, वहाँ डॉक्टर गौतम भी देखे, डॉक्टर अभिषेक भी देखे, जॉन भी देखे, और उसके बाद हमको उन्होंने कहा कि भर्ती होइए, ये सर्वाइकल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एक्सरसाइज से ठीक कराएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फिजियोथेरेपी का दिया, हमको कोई डॉक्टर का इलाज करना था, फिजियोथेरेपी भी हो रहा था, उसी बीच हीटर पैड के माध्यम से मुझको सेकने का काम किया गया। वो दो घंटे का सेक होता है। अनरिस्पॉन्सिबल वहाँ कर्मचारी, डॉक्टर, अन्य लोग जिसको कोई जानकारी नहीं, उन्हीं लोग को जिम्मेदारी दिए हुए, ये आते थे और सीधे वो हीटर पैड लगा देते थे और चले जाते थे। अब उस दिन क्या हुआ कि हमारा साथ दो घंटा से ज़्यादा लग गया, पूरा जलन से जल रहा था। जब उसको पट्टी को हटाया गया तो पूरा फफोला था, मेरे पीठ पर अभी भी है। बाद में जब ये स्थिति प्रबंधक को शिकायत किया गया और फिर प्रबंधक को हमने FIR किया है और कहा है कि जान से मारने की साजिश से मेरी हो सकता है, क्योंकि जब भी कहा जाता था तो कहता था किसी किसी को कि दलित के लिए तो दलिते न जाएगा, तो दलित के लिए दलित जाएगा, तो हॉस्पिटल दलित का है नहीं, सभी का है। तो ये स्थिति के कारण पूरा विश्वास है कि वो साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई हुई है। मैंने FIR किया है और FIR के क्रम में पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार है, मैं आश्वस्त हूँ कि पुलिस कार्रवाई करेगी। छोटे हॉस्पिटल इसी तरह से कार्रवाई करते, कई शिकायतें मिलती रही, हम लोग भी सुनते रहे। मेरे साथ तो कल महसूस हो गया, मैंने उसको महसूस किया व्यक्तिगत रूप से, इसलिए कहना कि प्राइवेट अस्पतालों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। तो सुना आपने, श्याम रजक ने कहा साफ रूप से कि हमने तो सुना था कि पारस हॉस्पिटल में गरीबों का शोषण किया जाता है, मगर आज मैंने खुद देख लिया, मेरी साजिश चल रही थी मेरी हत्या कराने की। राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करना चाहिए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि श्याम रजक ने इसके लेकर FIR दर्ज भी कराया है। अब तो दरअसल देखने वाली बात यह है कि इस मामले में सरकार कितना जल्दी एक्शन लेती है। तब तक के लिए देखते रहिए LR News 24x7। धन्यवाद।